अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष बने थे, बैकग्राउंड में मैं आऊंगा। उन्होंने एक बात कही थी, मुंबई में महान रैली थी, बादल छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये उन्होंने एक बहुत ही भावनात्मक और अपने कवि हृदय से बात कही थी। बादल छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। द क्लाउड विल गो अवे, द सन विल कम अप एंड द लोटस विल ब्लूम। आज 38 साल हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, वो वाणी कितनी सही है। बीजेपी केंद्र में राज करती है पूर्ण बहुमत के साथ, हमारी 21 सरकारें हैं बीजेपी और एलाइज के साथ, हमारे 15 मुख्यमंत्री हैं और हमारे 8 उप मुख्यमंत्री हैं। टुडे द बीजेपी रूल्स द कंट्री विद ए क्लियर मेजोरिटी। The BJP along with the NDA allies is ruling in 21 states of India. BJP has got 15 chief ministers. BJP has got 8 chief ministers. Ab jara aap BJP ka geographical spread dekhiye. North India ke sare pramukh rajyon mein BJP ka raj hai, Punjab ko chhodkar. Kashmir mein BJP ka raj hai. नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में 6 में बीजेपी का राज है और हम मोटे रूप में 70% हिंदुस्तान पर राज करते हैं। तीनों पहाड़ों में हमारा राज, कश्मीर, हिमाचल और बदोनी जी का उत्तराखंड। नॉर्थ ईस्ट आसाम में हम, नागालैंड में हम, मणिपुर में हम, अरुणाचल में हम, मेघालय और में हम अपने सहयोगियों के साथ। तो पहाड़ सुदूर उत्तर का हो, पहाड़ सुदूर पूरब का हो, द माउंटेन्स लव द बीजेपी। और ये मैं पहाड़ों की बात इसलिए कर रहा हूं आपसे कि अगर आप जनसंघ के समय से बीजेपी का इतिहास देखेंगे तो पहाड़ हमसे दूर थे, नॉर्थ ईस्ट में हम कहीं नहीं थे। मैंने इलाकों में बहुत प्रचार किया है नॉर्थ ईस्ट में, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। आज हमारे पूरे बहुमत की सरकारें हैं और त्रिपुरा में 3/4 सरकार है। याद करिए 1980 में जो हमारे कुछ वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठे होंगे, तो एक प्रकार से जनता पार्टी से हमें शर्मिंदा करके निकालने की कोशिश की जा रही थी ऑन ड्यूअल मेंबरशिप। रामनारायण जी को शायद याद होगा कि तुम अपनी विचारधारा छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज करो। और याद करिए जनता पार्टी हारी थी इंदिरा गांधी से 1980 में, तो बीजेपी 7 थी उसके, उसके बाद भी सिर्फ 32-33 सीटें आई थी, फिर भी कहा बाहर निकलो। कहा ठीक है, हम देश से अपनी दुनिया बनाएंगे। बीजेपी की विकास यात्रा 1951 से शुरू हुई है और मैं चाहता हूं पत्रकार इसको लिखेंगे तो बड़े हम कृतज्ञ होंगे, जिसका संकेत अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुंबई के कार्यक्रम में दिया। बलिदान हमारे रग रग में है, देश के लिए बलिदान, देश की एकता के लिए बलिदान और देश की सुरक्षा के लिए बलिदान। सेक्रीफाइस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए ऑफ द बीजेपी। सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, sacrifice for the country's security, sacrifice for the country's integrity. Shyama Prasad Mukherjee Kashmir mein mare jab wo gaye the ekta ki baat karne. Dindyal Upadhyay, aur aaj maine apne ek akhbar ke lekh mein, kis mein main lekh chapaya, maine ek charcha ki hai, jis samay Shyama Prasad Mukherjee ki death hui us samay unki umar thi 51-52 saal, दीनदयाल उपाध्याय की उम्र थी 33 साल, अटल बिहारी वाजपेयी 27-28 साल, नानाजी देशमुख की सबों की उम्र थी। और वहां से यात्रा शुरू हुई,
बीजेपी का देश में विस्तार इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी की सोच देश की मिट्टी से जुड़ी है, देश की संस्कृति, संस्कार और परंपरा से जुड़ी है। पहली बात आप जानते हैं। द प्रिंसिपल रीजन फॉर द राइज ऑफ द बीजेपी इज दैट द होल अप्रोच, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स ऑफ द बीजेपी इज एम्बेडेड विद द कल्चर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। और आज हम इस बात को बहुत गर्व से कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान की राजनीति में आगे बढ़ना है तो भारत की मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा, भारत के संस्कार और संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। और वो दिखावे के लिए नहीं, नॉट फॉर शो, बाय वे ऑफ कमिटमेंट। इसमें आप याद करिए, हमारा एक दुर्भाग्य भी रहा है कि बीजेपी बैशिंग हैज बीन ए पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स। नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी हों, लेफ्टिस्ट लोग हों, हम छोटे भी थे तो हमारी आलोचना करते थे। अरे आप याद करिए, हमारी आलोचना करने वाले कहां हैं और हम कहां हैं, क्योंकि हमारा संकल्प साफ था, हमें भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनानी है। हमारे वामपंथी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि देश को हम ही चलाएंगे, देश की यूनिवर्सिटी को हम ही संभालेंगे, संपादकीय पर प्रभाव हमारा ही होगा, विचारधारा में क्या लिखा जाएगा हम ही तय करेंगे। आज लेफ्टिस्ट हिंदुस्तान की मिट्टी से कटे थे तो कट गए। द होल आइडियोलॉजी ऑफ द लेफ्टिस्ट वॉज इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, देयरफॉर टुडे दे आर लेफ्ट आउट। संजय, सीपीआई कितना है मिले उनके, एक गिनती क्यों हो? एक समय हमारे बिहार में सीपीआई मेन अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी। अगर सीपीआई का क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं है। सीपीएम को हमने त्रिपुरा से साफ कर दिया, बंगाल से साफ हो जाए, अगले चुनाव में हम केरल से भी साफ करने वाले हैं। ये हम बिल्कुल कोई घमंड में नहीं बोल रहे हैं, अहंकार में, विनम्रता से बोल रहे हैं। मैं तीन खंड पर आऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा। सबसे पहले आज के दिन जब मैं पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में ये प्रेस कर रहा हूं, तो आज मैं उन सारे कार्यकर्ताओं का नमन करता हूं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना जीवन त्याग किया है, चाहे वो कश्मीर के कार्यकर्ता हों, चाहे वो केरल के कार्यकर्ता हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, चाहे हमारे नेता हों। इन महान कार्यकर्ताओं के बलिदान से जो ऊर्जा आई है उसने बीजेपी को यहां तक पहुंचाया है। द पावरफुल एनर्जी विच अरोज बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ दीज वर्कर्स हैज ब्रॉट अस हियर। आज मुझे आपसे दूसरी बात कहनी है। बीजेपी के विरोध करने वाले सभी सिमट रहे हैं। तीन प्रकार के लोग बीजेपी का विरोध करते थे, एक वामपंथी मैंने कहा आपको, दूसरे कांग्रेसी और तीसरे क्रोनिक समाजवादी सोशलिस्ट। राम मनोहर लोहिया कभी नहीं करते थे, याद करिए, राम मनोहर लोहिया दीनदयाल उपाध्याय साथ काम करते थे। उनकी जमात से जो बाकी लोग निकले, उसमें कई लोग अब नहीं है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो सब बड़े प्रखर विरोधी थे। आज आई एम सॉरी टू से द सोशलिस्ट मूवमेंट ऑफ राम मनोहर लोहिया हैज ऑल्सो बिकम ए फैमिली मूवमेंट इन मेनी वेज। राम मनोहर लोहिया ने जिस बड़ी परंपरा को स्थापित किया था उसमें से ये बहुत पीड़ा से हम कहते हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते थे, वो एक प्रकार से कई मामलों में अब कुछ परिवार में सिमट गया है। उसमें भी अपवाद हैं, अच्छे लोग हैं, हम मानते हैं। समाजवाद की बात तो मैं कह ही दिया। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो तो फैमिली इनकॉर्पोरेटेड है, जहां पर प्रश्नों में घिरी हुई क्षमता के बावजूद अध्यक्ष परिवार के व्यक्ति को ही बनना है। जब हम परिवार की बात करते हैं तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है, रिगार्डलेस ऑफ द पोटेंशियल और द टैलेंट और द कॉम्पिटेंस, द टॉप लीडरशिप शैल गो टू ए पर्सन ऑफ द फैमिली ओनली। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरे इशारे स्पष्ट हैं। भाजपा में क्या है, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आज मैं केंद्र में मंत्री हूं, हम सबों ने अपना जीवन बूथ पर शुरू किया था। मुझे याद है 71 के चुनाव में मैट्रिक पास करने के बाद मैं पहली बार बूथ पर बैठा था पार्टी के
एक बूथ एजेंट के रूप में हम सभी बैठे हैं, और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है, और भाजपा की यह विशेषता हमेशा रहेगी। अब मैं तीन खंड बस बोलूंगा, और वो आपको आज के दिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा बीजेपी के इतिहास पर आपकी टिप्पणी हो। पहला खंड है जब हमने देश की संस्कृति, संस्कार और सुरक्षा की लड़ाई लड़ी। याद करिए कश्मीर का आंदोलन, गोवा का आंदोलन, कच्छ का आंदोलन, ये सब हमारे बहुत बड़ी विरासत रहे हैं। और दूसरा, जब आप आएंगे तो फिर आपातकाल में लोकतंत्र के अधिकारों के लिए संघर्ष किया हमने जेपी के साथ। हमारे नेता जेल गए, हम लोग ने संघर्ष किया, वो सेकेंड फेज था। और थर्ड फेज था जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स अपने आप में देश की एकता के ऊपर सवाल खड़े कर रही थी, तो हमने कल्चरल नेशनलिज्म, चेतना यात्रा, कश्मीर एकता यात्रा, ऐसी एकता यात्राओं के माध्यम से देश को एक आगे बढ़ाने की कोशिश की। आप इस बात को कभी नहीं भूलिए, एक समय हम लोग दो हो गए थे 84 के बाद। 84 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को दो सीटें मिली थी, मैं अपने यंग जर्नलिस्ट को बताना चाहता हूं। और आज 30 साल के बाद, जिस समय दो मिली, 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत मिला, क्योंकि मोदी जी आशा के रूप में देश के क्षितिज पर आए। नरेंद्र मोदी केम एज ए रे ऑफ होप। और आज हमें इस बात का बहुत गर्व है कि उनकी अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, उसका आदर है, और नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता बने हैं। टुडे इंडिया इज ट्रीटेड एज ए ग्लोबल पावर एंड नरेंद्र मोदी इज ट्रीटेड एज ए ग्लोबल लीडर। मैं विस्तार की बात कर चुका हूं, इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आज का एक और संदर्भ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जिस प्रामाणिकता से बीजेपी को लीड किया है, उसमें एक नई ऊर्जा आई है। आज हमें आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि बीजेपी के 11 करोड़ मेंबर्स हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर बीजेपी इज द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जिस तरह के नए नए प्रयोग अमित शाह जी ने किए हैं, और मैं लंबे समय से पार्टी में काम करता हूं राष्ट्रीय स्तर पर, जिस प्रकार के उन्होंने बूथ लेवल वर्किंग को नई मजबूती, नए नए क्षेत्रों में संगठन का विस्तार, चुनाव को प्रामाणिकता से एक आंदोलन बनाकर लोगों का इन्वॉल्वमेंट, एंड बीजेपी इज वाइड स्प्रेड इन अमंग दलित्स, अमंग ट्राइबल्स, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अमित शाह जी की अगुवाई की। ठीक है, ये जो एक संगठन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत अमित शाह जी ने भाजपा को एक मजबूत संगठन बनाया है देशव्यापी। और टुडे बीजेपी इज ए बिग प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल यूनिटी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो दक्षिण हो, एक स्वर, एक भाव, एक प्रतिबद्धता, वन वॉइस, वन स्लोगन, वन कमिटमेंट। और वो क्या है, देश को हमें एक बड़ी ताकत बनानी है। आज मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथियों का भी अभिनंदन करते हैं। बीजेपी अपने साथियों के साथ चलती है उस विकास की यात्रा में, और यहां मुझे आपको बताने में जरा भी उज्र नहीं है कि 2014 में बीजेपी को स्वयं मेजॉरिटी आई थी, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, हम एनडीए के साथियों को भी सम्मान देंगे, ये हम साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। आज मैं एक ही बात कहूंगा कि बीजेपी इज ए पार्टी ऑफ ऑल इंडियन एंड द पार्टी विथ ऑल इंडिया। बीजेपी इज ए पार्टी ऑफ ऑल इंडियन एंड द बीजेपी इज विथ ऑल इंडिया। भाजपा पूरे भारत की पार्टी है, भाजपा पूरे भारतीयों की पार्टी है, जिसके सार में है सबका साथ सबका विकास। आज के दिन ये बताना आपसे इसलिए जरूरी है कि नागालैंड में 88% क्रिश्चियंस हैं, फिर भी बीजेपी 20 में 12 जीतती है। मेघालय में
मेघालय 82% क्रिश्चियंस हैं, गोवा में क्रिश्चियंस हैं, तो आज हम नए नए क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे समाज के वर्ग समझते हैं कि मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो कल्पना है वो सबों के लिए प्रामाणिक है। तो मित्रों, आज के दिन मैंने कहा कि हमें बहुत संतोष है कि हमारी 38 साल की जो यात्रा रही है, और आपको मालूम, पहले जनसंघ का हमारा अवतार रहा है, बलिदान, देशभक्ति, शहादत, संघर्ष, वहां से हम आगे आए हैं, और हमें किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। वी हैव नो प्रेजुडिस। पॉलिटिक्स में हर को अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन हमारा रास्ता ठीक था, हमारा रास्ता सही था, हमारा रास्ता भारत की मिट्टी से जुड़ा था, तो जनता का हमें आशीर्वाद मिला है, और हमारे नेता की ईमानदारी, उसकी देशभक्ति और भारत को आगे बढ़ाने की क्षमता पर जनता का विश्वास था, इसलिए हमें आप